जनहित मंच मुरादाबाद के तत्वावधान में कृषि कानूनों का आम जनता पर प्रभाव विषय पर एक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन अंबेडकर पार्क सिविल लाइन में किया गया। कृषि कानून के विरोध में हुई जनसंवाद कार्यक्रम में वक्ताओं ने एक बात पर सहमति दिखाते हुए कहा कि इन कृषि कानूनों का फायदा कारपोरेट घरानों को ही होगा और आम जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन कानूनों के लागू होने से किसानों की सारी फसल पूंजीपतियों के गोदामों में होगी और वे अपने मनमाने दामों पर बेचेंगे, जिसमें खाद्य वस्तुएं अत्यंत महंगी हो जाएंगी। इन कानूनों का प्रभाव न केवल मजदूर और मध्य वर्ग भी अत्यंत प्रभावित होगा। इन कानूनों के प्रभाव के कारण छोटी जोत वाले किसान भूमिहीन होकर शहरों की ओर पलायन करेंगे, जिससे बेरोजगारी भयंकर रूप ले लेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बलबीर शरण रस्तोगी ने कहा कि सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून न केवल किसान बल्कि आम आदमी को भी भारी मुसीबत में डालने वाले हैं, इसलिए सरकार को जनहित में ये तीनों कानून वापस लेने चाहिए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और कृषि कानून का विरोध किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार गंगवार, ओमकार सिंह एडवोकेट औरंगजेब, फिरोज खान, एमपी सिंह, अवतार सिंह राजपूत आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन विजय पाल सिंह ने किया। आज का प्रोग्राम हमारा ये जनहित मंच एक मुरादाबाद में है, जिसमें आम नागरिकों के हितों से संबंधित शासन और प्रशासन के समक्ष उठाने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है, गठन किया गया है। उसी के तहत आज एक जनसंवाद का कार्यक्रम था, जो कृषि कानून सरकार लाई है, बिजली बिल 2020 है, उनका आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर कार्यक्रम। आम वक्ताओं ने, जो विभिन्न शहर के कोने कोने से लोग आए थे, सभी की एक राय से बात आई कि भाई इनसे जमाखोरी बढ़ेगी, जिसके वजह से महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और परिणाम थे आम जनता का जो हित है उसमें बहुत गंभीर रूप से प्रभावित होगा। इसलिए ये जो कानून है ये जनता के हित में नहीं है और इन कानूनों का विरोध होना चाहिए। सरकार से निवेदन किया जाना चाहिए कि इन कानूनों को सरकार वापस करे। तो क्या फैसला लिया गया इसमें? फैसला ये लिया गया कि इसको लेकर एक जन अभियान चलाया जाएगा, मोहल्ले मोहल्ले हर जगह मीटिंग्स की जाएंगी और उसका जो समापन होगा वो होगा एक जन अभियान यात्रा के रूप में। जन अभियान यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली जाएगी, जिसमें शहर के आम नागरिक उसमें भागीदारी करेंगे और हम लोग सरकार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन हम उसमें प्रेषित करेंगे।